सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप और ये जो व्लॉग है ये एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब ये उस दिन का स्टडी स्लॉट है मेरा। एंड थोड़ा सा लेट उठी थी मैं 5:18 के आसपास। तो स्टार्टिंग विथ माय डे विथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसके बारे में मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया था। एंड इस बुक की मुझे सबसे अच्छी चीज़ें यही लगती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इंग्लिश में है, जो कि मेरे साथ साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें सारी बुक जो है वो हिंदी में मिलती है। इवन सारे यूट्यूब पे भी हिंदी में ही प्रैक्टिस कराया जाता है। पता नहीं, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि क्यों लगता है कि बिहार के बच्चे ज़्यादातर हिंदी में प्रिपेयर करेंगे, बट लूसेंट की बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड लूसेंट की बुक जो है वो मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। इवन लूसेंट की बुक बहुत सारे लोगों के पास होती है। देखो, गलतियाँ इसमें भी होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ हैं, बट आप ये अवॉइड नहीं कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज दो चार गलती है तो उसके लिए आप बुक को अच्छा ना बोलो। बुक बहुत अच्छी है, इसकी सब्जेक्टिव भी अच्छी है, ऑब्जेक्टिव भी अच्छी, दोनों बुक मेरे पास अवेलेबल हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको वही बुक सजेस्ट करती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ के देखा और मुझे अच्छा लगता है तब मैं सजेस्ट करती हूँ। आप भी पढ़ के देखो। एंड जब भी कोई बुक के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आप उस बुक को खुद ही स्टोर पर जा करके एक दो पेज थोड़ा सा पलट करके देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि बुक एक्चुअल में कैसी है। एंड बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि दी हमारे नंबर नहीं आ रहे। देखो, मेरे भी नंबर ज़्यादा तो नहीं आ रहे, 60-70 के बीच में है मेरे नंबर, बट ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। अगर किरण से दे रहे हो तो ऑलमोस्ट आपके 70 अराउंड आ जाएंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट बुक से दोगे तो थोड़े कम आते हैं। मैंने ये चीज़ एनालिसिस किया है, किसी ने मुझे कमेंट करके भी ये चीज़ बोला था और ये सच में है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। किरण के क्वेश्चन का लेवल आपका उससे मैच कर रहा है जो कि एक्चुअली ऑफिसर एकेडमी पे टीचर लोग करा रहे हैं, उनसे लेवल मैच कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल कुछ ज़्यादा हाई है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद फिर मैं स्कूल आ गई थी एंड मैंने जो है वो स्टडी स्टार्ट करी। वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है आजकल का, मतलब बारिश का मौसम है तो काफ़ी बेटर है वेदर तो। एंड यहाँ पर मैं क्लासेस देख रही थी, तो स्कूल में रिकॉर्ड करवाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल में मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे टीचर्स भी होते हैं एंड कोई अगर आ गया कैमरा लगा हुआ, तो ये सब चीज़ों के साथ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़्यादा पार्ट रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मैं प्रॉपरली वो चीज़ें दिखा भी नहीं पाती हूँ कि जो मैं पढ़ती हूँ, बट स्टिल मैं जो है आज वो मुझे लग रहा था कि मेरा जो है वो शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। मुझे लगा था कि मैं स्कूल में कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास स्कूल में आराम से 2 घंटे के आसपास आज फ्री पीरियड था, बट किसी रीज़न से मुझे वो फ्री पीरियड मिला नहीं एंड मेरा जो है वो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। एंड मीटिंग की वजह से मैं घर भी बहुत लेट से आई थी एंड मैंने अपना स्कूल में फ़ोन भी छोड़ दिया था, तो उसके बाद मुझे वापस स्कूल जाना पड़ा। तो इवन प्रिंसिपल मैम बोल रही थी कि कोई फ़ोन कैसे भूल जाता है, तो ये मेरे साथ हो जाता है कभी कभी कि मैं कहीं रख करके भूल करके चली जाती हूँ। ये इंसिडेंट्स मेरे साथ स्कूल में बहुत बार हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर फोकस कम कीजिए, और जो आपका जो है शेड्यूल है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, नए नए क्वेश्चन ज़्यादा देखिए, बट नया टॉपिक मत पढ़िए, क्वेश्चन आप नए देख सकते हैं। एंड देन फिर मैं बहुत लेट आई थी स्कूल से, इसीलिए मुझे 3:42 के आसपास हो गया पढ़ने। मैंने स्कूल में भी मैंने 1 आवर पढ़ाई करी थी एंड मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी। ये लूसेंट की बुक है, सॉरी ये किरण की बुक है, और इस बुक में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके दे रखा है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक, आज मैंने इसमें से 3 टॉपिक पढ़ा था, तो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा चंद्रयान 3। इसमें हर एक चीज़ डिटेल से दी गई है कि 615 करोड़ की लागत लगा करके इस मिशन को बनाया गया, 45 से 48 डेज का ये यात्रा करके चंद्रमा पे पहुंचेगा। इस तरीके की सारी चीज़ें दे रखी है, इवन थोड़ा सा बॉक्स बना के इसमें चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में भी दे रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड टॉपिक जो मैंने पढ़ा था वो भारत का नया संसद भवन जो है वो पढ़ा था, तो इसमें भी 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है ये बताया गया था। एंड फिर कितनी सारी सीटेड हैं कि 1272 सदस्यों के बैठने का पूरा इंतज़ाम किया गया, कितने कैमरेज लगे हुए हैं, क्या क्या कैमरे के फीचर है, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन थी फुल डिटेल में। फिर बजट के बारे में भी था एंड सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन भी था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट व्लॉग में अपने, की किरण की बुक से मैं जो है एक बार पढ़ के देखूंगी फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दी किरण के उसकी बुक की तो पता नहीं बट करंट अफेयर की बुक बहुत अच्छी है। तो मेरे पास ये बुक आई तो मैंने इसको पढ़ा एंड काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा।
अभी मैं हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, बट मैं हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी इंग्लिश में करूँगी तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, हिंदी में स्टोरी की तरह मैं सबको पढ़ ले रही हूँ एंड क्वेश्चन भी साथ साथ मिल जा रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा था। एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गई क्लासेस देखने के लिए। फिज़िक्स की क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है और आपको जो है वो मैं अब जो है वो बायो की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ सर की। इन सर का मैं नाम बार बार भूल जाती हूँ यार, पता नहीं क्या नाम है इनका, बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट। इनके क्लासेस को देखने के बाद मैं जो है वो ऑफिसर एकेडमी के ऐप पर जा कर के PDF उठा करके सीधा मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। एंड उस 5 PDF जैसे 5 क्लास अभी तक कराया सर ने 5 टॉपिक करके, तो मैं उस PDF को मतलब जैसे नया पढ़ रही हूँ तो पुराने वाले को भी एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ कि ताकि मुझे क्वेश्चन के टाइप पता चल जाए। एंड जब मैं सर के क्वेश्चन लगाती हूँ तो मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सही होते हैं, बट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुझे टफ लगते हैं कोई कोई पोर्शन में कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर सच में इतने टफ आएंगे तब तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये चीज़ जब किसी ने मुझे कमेंट करके बताया एंड मैंने किसी के साथ डिस्कस भी किया था तो उन्होंने बोला, तो फिर मुझे लगा कि ये मेरे साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। तो मैंने सिर्फ यही निष्कर्ष निकाला इस चीज़ में कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं पढ़ती हूँ, जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करती हूँ एंड उसके बाद फिर देन मैं जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नए प्रैक्टिस करूँगी, टॉपिक नया नहीं पढ़ूँगी। तो बस यही था। एंड सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई मैं वीडियो या फिर कोई बुक सजेस्ट करूँ तो पहले आप उसको खुद गो थ्रू हो जाओ। बुक में आप क्या कर सकते हो कि स्टोर पे गए आपने देखा ये कर सकते हो, और वीडियोस में आप ये कर सकते हो कि आप जाओ वीडियो पे 15 मिनट पढ़ के देखोगे ना उसी में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका जो है वो किस तरीके से मतलब समझ में आ गया नहीं। और मैं अश्योरिटी दे सकती हूँ कि इन टीचर से साइंस आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। एंड भले ही आपको पूरा हिंदी समझ में ना आया बट आपको वो समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। एंड थोड़ा बहुत तो इतना भी हमारा हिंदी वीक नहीं होता। और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस पढ़ रही थी तो मैं वीडियोस लेक्चर देखने के बाद, मैंने 2 लेक्चर कल देखे थे और 2 लेक्चर देखने के बाद मैं आराम से उसको जो है वो PDF के थ्रू रीड कर लेती, क्योंकि नोट्स बनाऊंगी फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इससे बेटर है कि मैं वीडियो लेक्चर देखूँ फिर मैं उस PDF को रिवाइज़ कर लूँ। PDF भी प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है यार, जब मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन पता है तो उसको बस एक बार रीड कर लूँगी अपना हो जाएगा हमारा, और जो नहीं पता है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स से बताते हैं वो तो दिमाग में रह ही जाता है क्योंकि हम वीडियोस देख रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स के यही फ़ायदे होते हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिनका भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम तो नहीं कह सकती हूँ बट 10 to 15 days है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप जितना अपना प्रोडक्टिव निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए, बट एस्टेट भी आ रहा है तो वहाँ पे भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, DSSSB भी आ रहा है तो वहाँ पे भी आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। GK GS वहाँ भी आते हैं, मैथ्स हिंदी इंग्लिश रीजनिंग DSSSB में भी आते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग के उसमें तो ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, तो आप अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी जितना आप दे सकते हो उतना दे दीजिए। फिर मैंने इंटरनेशनल मूवमेंट और साइंस स्टार्ट किया पढ़ना, तब तक काफ़ी लेट हो चुके थे और यही रीज़न था कि मैं नहीं दे पाई थी व्लॉग आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपना प्रॉपर वो शेड्यूल मतलब नहीं किया था, नहीं बढ़ा था, तो मुझे एक अंदर से था कि नहीं मुझे इतनी देर पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, तो इसी वजह से मैं एक दिन सोचा मैं लेट दे दूँगी, बट मैं अपना उतने आवर को तो कम से कम करूँगी कि 6-6.5 घंटे तो मुझे पढ़ने ही हैं। दोनों से एक एक टॉपिक रिवाइज़ किया है। इसमें मैंने पढ़ा था रॉयल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जो सर की बुक है PDF है, और ये PDF ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो आप जाकर के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। कोई पूछ रहे थे कि प्रिंट आउट कहाँ से निकलवाते हो, कैफ़े से निकलवाती हो यार, हमारे यहाँ तो 75 पैसे में निकाल देते हैं, तो ये सब ये भी फीचर है हमारे यहाँ अच्छी वाली, क्योंकि किसी ने बोला था कि दी हमारे यहाँ बहुत महंगा निकालते हैं, बट यहाँ पे निकाल देते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स थे इसमें वो सारे मैंने पढ़े हैं एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी थे। क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। रॉयल एक्ट में सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी टॉपिक थे वो पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन किए। एंड आपको मैं यही बोलूँगी कि जैसे भी आप पढ़ रहे हो अपने उस चीज़ को लगे रहिए, हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है, बट जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट तरीका है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर लीजिए कि एक मोटिवेशन मिलता है या फिर एक आपको आइडिया मिल सकता है, बट आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो बेस्ट है। बस इस ये सोच के पढ़ो कि जब मैं एग्जामिनेशन दे करके निकलूँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बेटर कुछ कर सकती थी या कर सकता था बट मैंने वो किया नहीं, और मैंने जो है वो आज भी 6 hours 30 minutes की ही स्टडी कम्प्लीट की है। तो आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड यार अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट एंड